हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी द्वारा दी जाने वाली कक्षा 5 गणित पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 38 हल करेंगे, जो कि 4 मार्च 2022 की है। बच्चों, ये 7वें सप्ताह की वर्कशीट है और इसकी थीम है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। दीपक की आमदनी। दीपक कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर पर कुछ पार्ट टाइम काम करता है। इसके लिए उसे काम में लगे घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि दीपक कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर पर कुछ पार्ट टाइम काम भी करता है। इसके लिए उसे काम में लगे घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब यहाँ कहा गया है उसे 1 घंटे के 65 रुपये मिलते हैं। पिछले महीने उसने 31 घंटे काम किया है। उसने सामने दिए गए तरीके से अपनी आमदनी का हिसाब लगाया और पाया कि उसने 1 महीने में 10 रुपये कमाए हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। आप देख सकते हैं दीपक ने किस तरह से एक तालिका बनाई है। ऊपर लिखा है 65 × 31 बराबर, तो यहाँ हमें निकालना है। तो उसने इस तालिका को 65 को पहले तोड़ा है 60 और फिर 5 के कॉलम में, और 31 को लिखा है 30 और 1 कि रो में। तो पहले 60 × 30 करा तो आया उत्तर 1800 और 5 × 30 आया 150 150। फिर 60 × 1 बराबर 60 और 5 × 1 बराबर 5। अब इन सबको जोड़ा गया है 1800 150 60 और 5। तो 1800 जमा 150 जमा 60 जमा 5 बराबर 2015। तो यहाँ हम 2015 लिखेंगे। उसने 1 महीने में 2015 रुपये कमाए हैं। अब नीचे दिया गया है दीपक ने अपने मित्र अमनदीप से यह हिसाब चेक करने के लिए कहा। अमनदीप ने आमदनी का हिसाब लगाने के लिए साथ दिए गए तरीके का प्रयोग किया। क्या दोनों तरीकों से आमदनी का हिसाब बराबर निकला है, चलिए देखते हैं। तो अमनदीप ने क्या किया, 65 जो कि 1 घंटे की आमदनी थी को गुना किया 31 घंटों से, तो उत्तर प्राप्त कितना हुआ। पहले आप देखेंगे 1 से 5 को गुना किया 5, 1 को 6 से गुना किया 6, फिर 0 लिखा, 3 को 5 से गुना किया 5 और फिर 3 को 5 से गुना किया 3 × 5 = 15, 1 यहाँ पर आ जाएगा और 3 × 6 = 18 और 1 = 19, तो 1950 आ गया। अब इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 2015। तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ कि दोनों तरीके से आमदनी का हिसाब बराबर निकला है, तो यहाँ हाँ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है नीचे दिए गए प्रश्नों को ऊपर दिए गए दोनों तरीकों से हल करने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, अभी जो हमने तरीका देखा ऊपर, दो तरीके देखे, तो हमें ये जो प्रश्न है इन्हें उन दोनों तरीकों से हल करना है। पहला 55 × 42, तो पहले तरीके से करेंगे तो तालिका बनाएंगे 55 को 50 और 5 के कॉलम में और 42 को 40 और 2 की रो में लिखेंगे। फिर 50 × 40 2000 और 5 × 40 हो जाएगा 200। फिर 50 × 2 हो जाएगा 100 और 5 × 2 हो जाएगा 10। अब इन सबको जोड़ेंगे 2000 + 200 + 100 + 10, तो उत्तर आएगा 2310। अब इसे गुणा करेंगे, 55 को गुणा करेंगे 42 से, तो उत्तर आएगा 2310। तो दोनों का उत्तर बराबर आया 2310। तो इसी प्रकार बच्चों, हमने दूसरे प्रश्न 76 × 39 को, फिर तीसरे प्रश्न 83 × 72 को और फिर चौथे प्रश्न 66 × 95 को दोनों विधियों से हल कर दिया है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।